जय जय श्री राधे कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज कोई ऐसा कार्य की स्थिति बनेगी जो आपको किसी विशेष ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा व्यापार क्षेत्र। दूसरी राशि है वृक राशि वालों को कानूनी वाद विवाद आपका चल रहा था समाप्त हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को बाघ का उदय नेपथ की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को धर्म प्रवृत्ति क्षेत्र में झुकाव होगा, विद्या अध्ययन जैसे क्षेत्रों में भी लाभ प्राप्त होगा। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन किसी अजनबी लोगों से मेल मिलाप होगा, जिसकी वजह से आप किसी ऊंचाइयों की ओर जा सकते हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज आप बच्चों के भविष्य को लेकर कोई कार्य कर सकते हो। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको भूमि भवन आदि निर्माण जैसे कार्य क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हो सकता है। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन विद्या अध्ययन क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में हाथ डालते हैं तो आपका काम सिद्ध और संपन्न हो सकता है। दसम राशि मकर। मकर राशि वालों को जमीन इत्यादि क्षेत्रों से लाभ होगा, जिसका आप क्रय विक्रय करते हो। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को वाहन इत्यादि से भी आपको लाभ होगा, यदि आप ट्रक ट्रैक्टर बालू इत्यादि या गट्टी का कार्य करवाते हैं उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको भाग्य का उदय नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं, एवं कोई नया व्यापार या कोई शुभ काम शुरू कर सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।